टेक्नोलॉजी आज जितना भी एमएलए से मिनिस्टर से उन लोग का फोटो को लेकर आप लोग जो केक कट रहे हैं, एक्चुअल क्या है? आज का दिन 18 फरवरी 2024, हमने पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टेयरिंग कमेटी ने हमने स्टेट वाइड आज ब्लैक डे ऑब्जर्व करने का निर्णय लिया है। और इनफैक्ट आज सुबह हमने वो चीज़ को वहाँ पे टेनिस कोर्ट में 6 किलो में हमने वो चीज़ का पुस्तक जलाओ आंदोलन भी हमने शुरू कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकता है, ये जो है 60 MLAs और 3 MPs का वो लोग का ऑनर में 63 केक्स है। तो इसमें आज का ये जो सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेशन वो लोग का नाकामी को सेलिब्रेट करने के लिए हम आया है। वो लोग का साइलेंस को, वो लोग का इनएक्शंस को, वो लोग का इनकॉम्पिटेंस को। तो आज जो हमारा अरुणाचल में इतना बड़ा घटना हुआ और उसका बाद भी ये सब सबके सब चुप्पी रखने का जो निर्णय लिया, उसी को हम सेलिब्रेट करने के लिए आया है। कि देखिए, आपका प्रदेश है, आपका बच्चा है, आपका बच्चा का इशू है, आपका प्रदेश का सबसे बड़ा इशू है, इसमें आपने साइलेंस मेंटेन किया, इसमें आपने साइलेंस मेंटेन किया, और इसमें आपने पिछले ऑलमोस्ट 1.5-2 साल में एक वर्ड भी नहीं बोला। तो खास करके आप देखिए, जो हमारा पार्लियामेंटेरियंस है, तो ऑनरेबल जो यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू सर, उन्होंने तो ये भी बोल दिया था कि ये इशू जो है ये लोकल इशू है, ये हम लोग का इशू नहीं है। तो ये बोल के उन्होंने ये कर दिया कि ये इशू में बात करना ही बंद कर दिया। तो अभी हम किरण रिजिजू सर को वही पूछना है कि आप कौन सा प्लैनेट से आया है, आप आसमान से गिरा है ना जमीन से निकला है, या फिर आप कौन से दूसरा ये से दूसरा यूनिवर्स से आया है क्या? क्योंकि आप इलेक्ट हुआ है तो अरुणाचल को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये इशू इतना बड़ा इशू है, जब स्टेट गवर्नमेंट से नहीं हो पा रहा है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये इशू को आप पार्लियामेंट में रेस करना। और नरेंद्र मोदी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, आप उसी का राइट हैंड है, उसी का साथ में घूमता है। आप यूनियन मिनिस्टर है, आप एक लॉ मिनिस्टर भी रहा है, जब ये इशू शुरू हुआ था तब आप एक लॉ मिनिस्टर भी था, आज आप अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर है, फिर भी यू आर होल्डिंग कैबिनेट पोस्ट इन द यूनियन मिनिस्ट्री, फिर भी आप ये चीज में एक वर्ड भी नहीं बोल पाया, और यहाँ में सिर्फ उसको फेस्टिवल में ही दिखाई देता है। तो हम लोग का मानना है कि ऑनरेबल हमारा जो MP है किरण रिजिजू सर को फेस्टिवल मिनिस्टर डिक्लेयर कर देना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम हिम, जो हमारा बाकी MPs है, ये लोग हो गया तपिर गांव सर, और ये हमारा दूसरा MP जो राज्यसभा का है नाबुम रिबिया सर, तपिर गांव सर को तो आप सिर्फ पिकनिक में दिखाई देगा, सिर्फ उसमें ये गाना वाना डांस उसमें बिजी है, आप वो सब भी कीजिए, लेकिन आपको उसके लिए सिर्फ नहीं बनाया गया है, आपको इलेक्ट किया है तो हमारे स्टेट का मेन इश्यूज को उठाने के लिए। लेकिन यहाँ पे कलेक्टिवली तीनों का तीनों MP यहाँ पे हमारा पूरा एंटायर अरुणाचल को, पूरा एंटायर फ्यूचर ऑफ अरुणाचल को आपने फेल किया है। और हमारा जो 60 लेजिस्लेचर्स का जो कंसर्न है, जैसे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर 18 फरवरी 2023 का शाम को, रात को हम लोग को पूरा स्टेट, पूरा एंटायर अरुणाचल का सामने में आपने इतना बड़ा कमिटमेंट दिया कि ये इशू को हम सॉल्व कर देंगे विद इन नो टाइम। लेकिन आप देखिए, 18 फरवरी 2024 आ गया, 365 डेज चला गया है, 12 महीना निकल गया है। अगर ये इशू को सॉल्व करना होता, 3 months इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड, आप इतना समय लेना नहीं चाहिए था। लेकिन ऑनरेबल CM सर, जब उसका जो कमिटमेंट था प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट लेके आएगा, बोला लाया नहीं है, विसल ब्लोअर एक्ट लेके आएगा, बोला लाया नहीं है, ग्यामर पादंग सर को उसको रिकॉग्नाइज करके उसका स्टेच्यू ऑफ ऑनेस्टी बनाएगा, बोला है बनाया नहीं है, उसके बाद जितना भी प्रोटेस्टर्स है जिसको इंजर हो उसको कंपेंसेट करेगा, बोला है किया नहीं है, और जितना भी प्रोटेस्टर्स जिसका अगेंस्ट में चार्जेस लगा है उसको करेगा, बोला है किया नहीं है। ऐसा ही इतना ज्यादा जितना एश्योरेंस है कहीं में भी करा नहीं उतरा है। तो अभी आज ऑनरेबल CM सर के लिए भी एक रिपोर्ट कार्ड का दिन है, पूरा अरुणाचल पूरा जनता देख रहा है कि आपने अरुणाचल का हिस्ट्री में या में अभी तक का सबसे बड़ा इशू, जो आपका हमारा आपका बच्चा का, आपका भाई बहन का, हमारा पूरा एंटायर अरुणाचल एस ए होल, हमारा लाइफ को असर पड़ने जा रहा है फॉर डेकेड्स टू कम, इसमें आपने इतना बड़ा जो हम लोग को हमारा साथ जो विश्वासघात किया, और उसके साथ सिर्फ ऑनरेबल CM ने उसका साथ जितना कैबिनेट है, उसका मिनिस्टर्स है, सब ने ये इशू को रिजोल्व करने में आपने नाकामी दिखाया है। तो इसके लिए आपको आज का दिन में हम आपको मुबारक हो, आपको शुभकामनाएं देने के लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका
ये जो इनकॉम्पिटेंस को, आपका इनएक्शन को, आपका साइलेंस को, और जितना भी एमएलएस है, चाहे वो ओपोजिशन से हो या रूलिंग से हो, आप ओपोजिशन में होने से भी एटलीस्ट इसको प्राइवेट बिल का जैसे आप उसमें डिस्कस कर सकता था, लेके आ सकता था असेंबली में, जो असेंबली का लास्ट सेशन था 8 फरवरी और 9 फरवरी में, बट यू हैव डिसाइडेड टू कीप मम। यहाँ में किसी ने भी, एक सिंगल इंसान ने भी नहीं उठाया, एक सिंगल लेजिस्लेचर ने भी नहीं उठाया। और यहाँ में कोई कोई लेजिस्लेचर है, जैसे मुचुमिति सर हो गया, तागे ताकि सर हो गया, ये लोग का बोलना ये है कि हम लोग एक ही पॉइंट से कंसर्न है, बाकी 12 पॉइंट्स को मानता है, लेकिन यहाँ में वो लोग का अभी बोल्टी बंद। पहले तो बोल रहा था ये इशू बहुत जेन्युइन है, ये है वो है, लेकिन अभी तो वो लोग का मुंह अभी ऐसा लगता है कि सांप सूंघ लिया जैसा, आवाज निकलने का बात ही नहीं। तो जितना भी, और जो हमारे जितना भी लेजिस्लेचर्स है, आपने अपना जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो है, यू हैव फेल्ड एंड यू हैव फेल्ड टू डिलीवर एंड यू हैव फेल्ड टू स्टैंड फॉर द पीपल ऑफ अरुणाचल। या मैं जितना, क्योंकि ये इशू जो है ये सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये जो है क्योंकि इसी एग्जामिनेशन से जो रिक्रूटमेंट होता है, ये अरुणाचल का फ्यूचर को डिसाइड करने जा रहा है। और यहाँ में जो भी स्टेक होल्डर्स है, एस्पिरेंट्स का, उसका माँ पिताजी, उसका फैमिली, सब आ जाता है, एवरीबॉडी इज अ स्टेक होल्डर। तो यहाँ में इतना बड़ा, यहाँ पे जो आप लोगों ये हमारा लेजिस्लेचर का तरफ से, हमारा पार्लियामेंटेरियन का तरफ से, ऐसे लगता है कि सब लोग कलेक्टिवली डिसाइड किया है कि इसको रिजॉल्व करना ही नहीं है। तो आज हमने पूरा अरुणाचल ने आज का दिन को ब्लैक डे डिक्लेयर किया है, और आज से ही हमने जो पुस्तक जलाओ आंदोलन मैंने हमने चेयर दिया है, और इसी चीज को हमने, यही चीज को बार बार रिपीट किया है कि देखिए पुस्तक जलाना हमारा फाइनल जो रिजोर्ट है, क्योंकि पुस्तक ऐसा चीज है, बुक्स ऐसा चीज है कि जिसको हम वर्शिप करता है, जिसको हम ये रिवियर करता है, जिसको हम पूजा करता है। लेकिन आज का दिन में एस्पिरेंट को हमको मजबूर कर दिया है, जो चीज को हम वर्शिप करते हैं उसी को जलाने में हमको मजबूर कर दिया है। इससे बहुत बड़ा संदेश ये जाता है कि आपने सिस्टम को अभी तक करेक्शन किया नहीं है। अगर आप सिस्टम को जैसे का वैसे रहने दिया, अभी पढ़ाई करने का मतलब ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये जो मैसेज है लाउड एंड क्लियर, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जाना है। अभी जो हमारा सरकार, जो राज्य सरकार है, जो अभी तक यहाँ पे चुप्पी बैठने के लिए जो डिसाइड किया है, अभी उसके लिए भी एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जाना है। और इसी जो ये जो पुस्तक जलाओ आंदोलन है, इसी को आप जहाँ कहीं भी हो, एंटायर अरुणाचल में, हर डिस्ट्रिक्ट में, आप अपने ही घर में बैठ के भी आप ये सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, अपना प्रोटेस्ट ये शो करने के लिए, अपना जो रीजन में तो उसको स्टेज करने के लिए, आप अपना ही घर में बैठ के, वरंडा में या फिर बैल्कनी में, आप पुस्तक जला के, किताब जला के, उसका वीडियो बना के आप अपलोड कीजिए। आप पैन अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, आप उसमें शेयर कीजिए, इसको हम अपलोड करेगा। एंड दिस मूवमेंट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। और ये जब ये जो है, हमने यहाँ से लेके हम स्टेट उद्दे में भी हम पुस्तक जलाओ वाला आंदोलन करेगा। और स्टेट उद्दे जो 20 फरवरी है, हमने डिसाइड किया है, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी ने डिसाइड किया है कि 20 फरवरी जो स्टेट उद्दे सेलिब्रेशन डे है, वो सेलिब्रेशन डे को हम स्टेट वाइड बॉयकॉट करने के लिए हमने ऐलान कर दिया है। और इसमें सबका पार्टिसिपेशन का जरूरत है। यहाँ में पार्टिसिपेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पे इवेंट होगा, जो भी प्रोग्राम होगा, उसमें आप लोग जाना नहीं है, और जो भी जाता है तो ये ब्लैक रिबन बन के या फिर ब्लैक ड्रेस पहन के। और इसको लेके हमने कंडेम किया है, क्योंकि स्टेट का सबसे बड़ा इशू रिजोल्व हुआ ही नहीं है कि आप स्टेट डे सेलिब्रेशन करने में लगा हुआ है। अभी स्टेट ये जो इशू जो है, ये हमारा फ्यूचर को डिसाइड करना है, ये सॉल्व नहीं हो रहा है। अभी हम वो सेलिब्रेशन करके हम क्या करेगा, उसका मीनिंग ही खत्म हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे पैन अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी ने डिसाइड किया है, अभी एंटायर अरुणाचल, एवरी वॉक ऑफ लाइफ से, हर यहाँ पे इरेस्पेक्टिव ऑफ दी पार्टी लाइंस, इरेस्पेक्टिव ऑफ दी कम्युनिटीज, इरेस्पेक्टिव ऑफ दी रिलीजन, हम लोग सबको अपील कर रहा है कि ये 2024 का जो स्टेट डे है, इसको ब्लैक डे डिक्लेयर करके एवरीबॉडी मस्ट बॉयकॉट, इसको बॉयकॉट करना है। एंड ये मैसेज जो है लाउड एंड क्लियर, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को जाना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाना है। थैंक यू।
historic state, I think, which has never been done anywhere in India.